हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अर्चना का किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी मटर मलाई पनीर। आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पर कढ़ाई रखेंगे। फिर इसमें हम सरसों का तेल थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसमें 2-3 लहसुन डालेंगे। लहसुन हमारा हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम मेथी डाल देंगे। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। ये हमारा हल्का भुना जा चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। गैस ऑफ कर देते हैं। इसका हम पेस्ट बनाएंगे, इसलिए इसे हमने हल्का सा भून लिया है ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो। इसे ठंडे होने के लिए हम रख देते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें हम डालेंगे घी। इसमें हम 4-5 काजू, 4-5 बादाम ले लिए हैं। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसे भूनने से इसका टेस्ट अच्छा आता है। इसे हम निकाल लेंगे। इसी घी में हम अपना पनीर भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। अब इसमें हम लहसुन और अदरक, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और इसी में हम अपना प्याज भी डाल देंगे। ताकि थोड़ी सी गल जाए। लहसुन के साथ इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे निकाल लेते हैं। निकाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे।
इसमें हमें काजू और जो बादाम था वो भी डाल देंगे। इसके साथ ही इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, उसके बाद हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे, एक लाल मिर्च, तेज़पत्ता, इसे हम हल्का सा भून लेंगे। देखिए मसाले हमारे भून चुके हैं, अब हम इसमें ये लहसुन वाला पेस्ट जो था, लहसुन प्याज का, इसे डालेंगे। इसे थोड़ी देर भून लेंगे। इसे हमने हल्का सा भून लिया है, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट, फिर इसमें डालेंगे हम मेथी का पेस्ट, इसे अच्छी तरह हम मिलाते हुए धीमी आंच में पका लेंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। ये हमारे उबले हुए मटर हैं, इसे हम डाल देते हैं इसमें, इसे भी इसके साथ भूनेंगे। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, सबको हम डाल के पका लेंगे। इसे हम थोड़ी देर ढक देते हैं। मसाले हमारे भून रहे हैं, इसमें हम घी डालेंगे थोड़ा सा, ताकि इसे खुशबू इसकी अच्छी आए। इसे भी इसमें मिला लेते हैं। अब थोड़ी देर और इसे पकने देते हैं। देखिए मसाले हमारे भून चुके हैं, इसके ऊपर तेल दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम पानी थोड़ा सा डालेंगे, अब इसे हम पकने देते हैं थोड़ी देर। देखिए हमारा ये अब पानी जो हमने डाला था मसालों के साथ वो हमारा पक चुका है। अब हम इसमें मलाई डालेंगे,
देखिए इससे इसका कलर कितना सुंदर आया है। अब हम इसमें पनीर मसाला थोड़ा सा डाल देंगे। इसे अब बस 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। अब इसमें हम पनीर भी डाल देंगे। अब फिर इसे हम ढक देंगे। आइए इसे चेक करते हैं। देखिए ये बिल्कुल पक चुका है। मेथी मटर मलाई पनीर हमारा बन के रेडी है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। देखिए अब इसे हम हरी धनिया से थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा मेथी मटर मलाई पनीर बन के रेडी है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।